स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको बता दें कि आज हमारी गिलोला श्रावस्ती यूट्यूब चैनल की टीम के द्वारा आज हम लोग वाटरलैंड पार्क नेपाल गए हुए थे, जहाँ पर हम लोगों ने जब वाटर पार्क की खूबसूरती और वहाँ इंटरटेनमेंट का जो साधन है उसे जब हम लोगों के द्वारा देखा गया तो हम लोगों से रहा नहीं गया। हमारे द्वारा वह हमारी टीम के द्वारा ये सोचा गया कि वहाँ से एक खूबसूरत वीडियो और तस्वीर बनाकर हम लोग यूट्यूब पर डालें ताकि जो भी हमारे दोस्त मित्र यार जो हमारी परिवार की तरह हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए एक वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएं ताकि उन्हें भी अगर वो लोग भी वाटर पार्क आना चाहें तो ज़रूर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही सही लेकिन एक बार वाटर पार्क आकर और देखें कि यहाँ पर किस तरीके से इंटरटेनमेंट का साधन है। और यहाँ पर गर्मियों में अक्सर लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग वाटर पार्क में घूमने आते हैं, जैसे कि अभी तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने संख्या में लोगों की भीड़ है। और यहाँ पर नहाने के लिए कई सारे तालाब जो हैं, स्विमिंग पूल यानी कि कहा जाता है लेकिन हमारे यहाँ तालाब कहा जाता है और कहीं कहीं स्विमिंग पूल कहा जाता है, बनाए गए हैं। लमसम 4-5 स्विमिंग पूल हैं जो बनाए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ कूदने के लिए भी बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए अलग से स्विमिंग पूल बनाया गया है, लेडीज़ के लिए अलग स्विमिंग पूल बनाया गया है, पुरुषों के लिए भी अलग से स्विमिंग पूल बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर अलग से ड्रेस भी दिया जाता है जो सभी के लिए अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, जैसे लेडीज़ कॉस्ट्यूम अलग होता है, जेंट्स कॉस्ट्यूम अलग होता है, बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम अलग होता है। यहाँ पर सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, यहाँ सेफ्टी के लिए आपको एक जैकेट दी जाती है, साथ ही साथ जो तैरने वाले गुब्बारे होते हैं वो भी पार्क वाटर पार्क में लगे हुए हैं ताकि लोग उस पर भी घूमकर सारे स्विमिंग पूल का मज़ा ले सके। साथ ही साथ यहाँ पर साउंड की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर गाने बजाए जाते हैं और लोगों के द्वारा डांस किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले आपको तो बहराइच जनपद आना होगा। बहराइच जनपद से आप जाएंगे रुपईडीहा, जो बहराइच ज़िले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहीं से भारत और नेपाल का सीमा पड़ता है। नेपाल से आपको यहाँ पर रुपईडीहा से और नेपाल का जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ से आपको सीधे जाना होगा नेपालगंज। एक नेपालगंज पड़ता है वहाँ से, जब वहाँ नेपालगंज जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे कि हमें वाटरलैंड पार्क जाना है तो आप लोगों को वहाँ से रास्ता बता देंगे। नेपालगंज से 1 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। जब आप उस रास्ते पर जैसे ही मुड़ेंगे आपको वाटर पार्क नज़र आने लगेगा। वहाँ से आप लोगों को वाटर पार्क जब नज़र आएगा तो रास्ता अपने आप पता हो जाएगा। वाटर पार्क पहुंचने के बाद आपको गाड़ी पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। गाड़ी पार्क करने के बाद आप सीधे काउंटर पर जाएंगे, जहां पर अगर नेपाली रुपीज़ की बात की जाए तो वहां पर 550 रुपये एंट्री फीस नेपाली रुपीज़ की लगती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के 350 रुपीज़, जो कि आपको एक कॉस्ट्यूम दिया जाएगा, साथ ही नहाने के लिए जो एंट्री फीस लगती है, मतलब स्विमिंग करने के लिए जो एंट्री फीस लगती है 350 रुपये टोटल लगता है, वो आपको जमा करना होगा। साथ ही साथ कॉस्ट्यूम के लिए अलग से आपको 500 रुपये जमा करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको बाद में वापस कर दिया जाएगा। जब आप कॉस्ट्यूम आप पहनेंगे उसे जब वापस करने जाएंगे तो आपको 500 रुपये जो है वो वापस कर दिया जाएगा। और वहाँ पर आप जाकर खूब मज़े लीजिए। अगर आप लोगों को अगर समझ ना आए तो आप लोग हमसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमें जाना है। अगर आपको वहाँ नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लें ताकि हम आप लोगों को पूरा जानकारी दे सकेंगे।
और आप तस्वीरों में देख लीजिए कि किस तरीके से हमारी टीम के द्वारा वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर किस तरीके से हम लोगों के द्वारा बहुत सारे जो स्विमिंग पूल थे सभी में मतलब नहाया धोया गया, उसके बाद स्विमिंग की गई और मज़े लिए गए। जाओ गंगे कूदे जाओ, हवा लगाए रहे ऐसे रखे, बहुत तेज भागे थी मेरे के तो भैया यह हिया उठाए भाग। लुगा राम्रो अरे के गर्नु, मान्छे मन पराउनु पऱ्यो अरे, मान्छे त म मन पराउँछु के गरे मस्तै गर्छु म बुझ्छु त त्यस्तो नभन्नु म्यान, मलाई मन पराउँछु के मलाई थाहा छ। अँ त्यस्तै भन्दै गर होइन, कुन दिन त्यो गोरी केटीले तेरो सरोजलाई उडाएर नख्छ नि त्यसको जान सबजना दिएको खानुपर्छ है। Yeah.